सौंदर्य ने कहा अर्चना से बाहर जरूर मिलूंगी। टॉप थ्री के बारे में कही ये बड़ी बात। जी हाँ, सौंदर्य शर्मा फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। आपको बता दें कि उन्होंने 2017 में रोमांटिक रांची डायरीज के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी और यहाँ तक कि फिल्म थैंक गॉड में भी उनकी कुछ झलकें सामने आई थी। साथ ही सौंदर्य शर्मा रक्तांचल 2, कंट्री माफिया और कर्मयुद्ध जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं बिग बॉस 16 के बाद सौंदर्य शर्मा के फेम को चार चांद लग चुकी है। वहीं आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर सौंदर्य शर्मा गौतम विक के साथ अपने लव स्टोरी को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई थी और वही चर्चा बिग बॉस के घर के बाहर भी चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि सौंदर्य शर्मा अर्चना गौतम के भी काफी क्लोज थी, साथ ही उन्हें उनके बीच एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड भी देखने को मिला था, लेकिन वोट न मिल पाने की वजह से सौंदर्य शर्मा काफी पहले ही बिग बॉस के घर से बाहर निकल गयी। ऐसे में शो से बाहर निकलने के बाद सौंदर्य शर्मा कहती है कि बिग बॉस के घर में सबसे अच्छा साथी सिर्फ अर्चना ही रही है और यही वजह है कि जब वो घर से बाहर आएगी तो सौंदर्य अर्चना से जरूर मिलने वाली है। वहीं टॉप थ्री के बारे में बताने पर सौंदर्य कहती है कि मुझे इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है क्योंकि यहाँ मेरे चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला, होगा वही जो दर्शक चाहते हैं और बिग बॉस चाहते हैं। वैसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर कौन बनता है बिग बॉस 16 का विनर। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।